देख सकते हैं काफी सुंदर है दोस्तों। ये भी इसका वेट जो 14 ग्राम है, इसका भी वेट जो 14 ग्राम है। बॉय गो गो गो, ए बका जाओ ना। दोस्तों देख सकते हैं ये लूर का हुक फिर से टूट गया। थोड़ा पहले बड़ा वाला मसर एक बाइट हुआ था, लेकिन ये हुक जो फिर से दोबारा हमको धोखा दे दिया। लास्ट टाइम भी आप सभी को मैंने ये लूर को शो किया था, पूरा इसका कटा सीधा हो गया था। एंड दोस्तों देख सकते हैं यहाँ का एक हुक भी टूट गया, जैसे कि आप सभी को मैंने शेयर किया था। जैसे चाइना चीज लुक सस्ते है, आज प्रूफ भी कर दिया सस्ते है बोल के। दोस्तों नेक्स्ट टाइम ये हुक लुक हम पूरा चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद नया हुक डालने के बाद हम इसको दोबारा यूज़ करेगा। लूर तो दोस्तों बहुत बढ़िया है, लूर जो है बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन हुक कुछ ज़्यादा सस्ते है। दो बार हो चुके हैं मेरा साथ इसे, इस बार तो यहाँ का हुक गायब एंड लास्ट हुक उठा दिया। लेकिन मेरे दोस्तों थोड़ा ट्राई करके देखिएगा, अभी यहाँ से हम चलाना पड़ेगा। लेट्स सी, और एक बाइक होने से ठीक है। यात्रा मछली पकड़ने का कारण लूर उतर गया मेरा, ये लूर कुछ जरे धोखेबाज है, चाइना जैसे वही है ये। अब दूसरा लूर हम यूज़ करके देखेगा, क्योंकि लास्ट टाइम हमको नगा भैया ने एक नया लूर दिया था, इसको ट्राई करो बोल के आप सभी को भी हम शो करते हैं वो लूर की तरीके से। दोस्तों लास्ट टाइम नगा भैया ने मुझे ये लूर को दिया था, आज इसको हम ट्राई करके देखेगा। एंड उसका भी दोस्तों प्राइस 615 है, देख सकते हैं। और लूर का नाम है चिप एंगलर। लेट्स ट्राई यहाँ से बाइट होते कि नहीं होते। इसका तो ये चाइना वाला तो धोखेबाज धोखेबाज है, उसे छोड़ दीजिए। देख सकते हैं काफ़ी सुंदर है दोस्तों। ये भी इसका वेट जो 14 ग्राम है, इसका भी वेट जो 14 ग्राम है, देख पा रहा हूँ। ट्राई करके देखिएगा। तो ये थोड़ा नीचे से हम फिशिंग करेगा गाइस। थोड़ा पहले हम यहाँ से ये करके वो कोना में फेंका था, वो कोना में ये करके ये मिडिल में काटा था, पर आप सभी को शो कर दिया था हुक को कैसे चूतिया कर दिया उसे। इस टाइम हम कहीं में होल्ड करना पड़ेंगे।
पिस्तौल कोपर नसीर। एंड गाइस, मैंने ये हुक को चेंज कर दिया क्योंकि ये हुक जो कुछ जा रहे सस्ता था, इन जो चिप एंगलर का हुक पुल को हम यहाँ पे डाल दिया था। ओए ये हुक जो कुछ जा रहे सर पे, दस वो मेरा ग्लोब में लग गया। सिट। अबे भाई रिलैक्स, तुमको रिलीज कर देगा। इतनी जबरदस्ती उछल रहे हैं आप। एंड गाइस, फिलहाल तो मेरा पास लिप्टर जो नहीं है, दस वे हाथ से निकल ना पा रहे हैं। आप लोग भी सपने से जब भी मछली को कैच करते हैं, गिल्स में मत छुए। देखो हम गिल्स को ये करके, ये उसका गिल्स का नीचे में पकड़ के रखते हैं ताकि ये मछली बच के आराम से जी सके। एंड आप सभी ने लास्ट टाइम सुना होगा, ये गिल्स का तरफ में ज़्यादा सेंसिटिव ये लोग का ये होते हैं, हाँ सेंसिटिव ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये लोग का गिल्स जो डैमेज नहीं होना चाहिए। आराम से हम रिलीज कर देगा। एंड पर ये कुछ ज़्यादा उथल पुथल हो रहा है, उसका कारण हमको कुछ ज़्यादा दिक्कत उठाना पड़ रहा है। या दोस्तों, हाफ किलो होना चाहिए ये भी। दोस्तों इसको थोड़ा ऊपर साइड में रिलीज कर दिया थे, यहाँ से जाने दो दोस्तों। आराम से बाबा, तेरा पेट हुआ है, ये तो कुछ ज़्यादा कचरा काया होगा। पेट में भी थोड़ा हल्का सा इसका डैमेज नहीं, थोड़ा सा चमड़ा चिल गया। बोए गो गो गो, ए बका जाओ ना, इसमें रुक लिया। गैस फाइनली अब सभी ने देखा होगा, बढ़िया लग गया। फर्स्ट टाइम का तो उससे बड़ा था, तारे हुक थोड़ा स्ट्राइक खेलने के बाद हुक जो ही टूट गया। सेकेंड बाइट का तो निकल दिया दोस्तों, और भी ट्राई करेगा। बड़ा कटने से तो बहुत मज़ा हो जाएगा दोस्तों, आई एम एक्सपेक्टिंग बड़ा साइज कटने से तो बहुत मज़ा हो जाएगा।
दोस्तों देख पा रहा होगा मेरा दांत का हालत ऐसा हो गया। आप सभी कमेंट कर सकते हैं मैंने क्या गलती की है ये कार्बन फाइबर रोड का साथ, एंड जो भी अच्छा इंग्ला लुक है वो लोग पटा होना चाहिए। मैंने क्या गलती की है ये दांत का साथ जो मेरा दांत जो ये हालत में पहन गया। लास्ट टाइम भी मैंने ये दांत को दोस्तों ये पोर्शन देख सकते हैं यहाँ पे कस्टमाइज किया था, इसको भी कैसे भी ओके हम रीयूज कर रहा था, एंड आज ये हालत हो गया दोबारा। अब फिलहाल तो अभी 3 टुकड़े में बांट चुके हैं। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए जो जो अच्छा इंग्ला लुक है ये कार्बन फाइबर रोड का साथ मैंने क्या गलती की है जो मेरा दांत का हालत ऐसा हो गया। एंड दोस्तों लास्ट वीडियो में आप सभी ने देखा होगा तुआ भैया का साथ और एक दो यूथ लोग का साथ मिलके हम लोग हिमालय तरफ मछली को शिफ्ट कर रहा था, जैसे कि ऊपर तरफ में जो मछली मिला जाते हैं हमारा पानी नदी में वो मछली जो नीचे तरफ में नहीं है, और नीचे तरफ में जो मछली मिला जाते हैं जैसे कि गोल्डन मसीर हो गया, फिंगर टेर हो गया, उसके बाद हाँ साइंटिफिक नेम कुछ ले रहा था, आप लोग जाके वीडियो में चेकअप कर सकते हैं। वो मछली लोग हम लोगों का परे रिवर ऊपर तरफ बस्ती में नहीं मिलते हैं, वो सभी को मैं और सुहा भैया हम लोग मिल के ने शिफ्ट किए हैं। आप सभी को भी मैंने बहुत अच्छा तरीका से शो कर दिया वीडियो को, आप लोग जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ आप लोग भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप सभी कमेंट को भी जाके पढ़ सकते हैं। कमेंट तो उतना आने में नहीं आया, लेकिन ऐसा कमेंट लोग आया है कि हमको भी खुद पढ़ के बहुत अच्छा लगे, बहुत सपोर्ट वाला कमेंट, सपोर्टिव वाला कमेंट आया है। दोस्तों आप लोग भी ऐसा कमेंट कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ये सब वीडियो बनाने को। एंड दोस्तों हाँ फिलहाल तो ये रोड का हालत ऐसा हो गया, अभी फिशिंग भी नहीं कर सकते, एंड विद दैट और चाइना का माल भी टूट गया, आई मीन वो चाइना को लूट भी टूट गया विद दैट नागा भैया जो लूट दिया था वो कटा लोगों को निकल के उसमें डाल के हम यूज़ किया था, लूट भी टूट गया एंड विद दैट दांग भी टूट गया। अब थोड़ा पैसा ढूंढ के नया रोड के लिए जमा करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए मेरा ब्लॉग्स इतना ही है, टिल माय नेक्स्ट वीडियो दोस्तों, स्टे हैप्पी स्टे सेफ एंड जस्ट